फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेके आया हूं मैं फिजिक्स कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइन क्वेश्चंस के ऊपर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और जितनी भी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेटिव हैं, सो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और एक चीज़, अगर आप ACC 128 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और आपके एग्ज़ाम में टाइम बस बचे हुए हैं अभी करीब करीब 4 महीने के, तो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करें। वन मोर थिंग, अगर आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे। चलिए तो फिर पहले क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन प्रिज्म। इसमें पूछा गया है कि क्या रीज़न है जो लाइट स्प्लिट होती है, लाइट बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, तो उसका क्या रीज़न है। तो उसको टेक्निकली जो हम कहते हैं वो कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या प्रोसीजर होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, इट स्प्लिट्स इनटू इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स इन ऑर्डर टू, कौन कौन से ऑर्डर में लाइट उसमें आपकी स्प्लिट होती है, वॉलेट में, इंडिगो में, ब्लू में, ग्रीन में, एंड उसके बाद येलो में, एंड फिर ऑरेंज, एंड फिर रेड। तो ये आपके 7 हैं कलर्स जिनमें ये डिवाइड हो जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जिसका वेवलेंथ होता है वो वेवलेंथ होता है किसका, रेड लाइट का, जो कि आज का हमारा ये पेन का भी कलर रेड ही है। तो रेड लाइट का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है। इसके वजह से कोई भी डेंजर के लिए या कहीं भी सिक्योरिटी लाइट्स वगैरह में जहाँ पे आपको लगानी है लाइट, जैसे आप जब भी हेली टावर के लिए इंडिकेशन के लिए कोई लाइट लगाते हैं, हेली वाली लाइट जो ऊपर चलती हैं घरों के काफ़ी ऊँचे इमारतों में, बिल्डिंगों में, तो हम रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज का वेवलेंथ ज़्यादा है, तो वो दूर से दिखाई देती है कि यहाँ कुछ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मच कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज रिलीज बाई बॉइल्ड एग। बॉइल्ड एग में कितनी कैलोरीज होती है, 77 कैलोरीज होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन वी सी रेनबो। तो जब हम एक रेनबो को देखते हैं तो उसके पीछे क्या सबसे बड़ा सच्चाई है, वो है ये है कि देन द सन रिमेन्स बिहाइंड अस एंड वी फेस रेन ड्रॉप्स। नेक्स्ट, वॉट इज़ द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च इन टू स्पेस। तो मिनिमम एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए तो अभी जान लेते हैं एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिससे कि आप अगर उस रफ्तार में चलते हो तो आप धरती के सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाओगे। आपके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जी का कोई भी इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, जिसमें आप अगर एक बार बाहर निकल गए अपने अर्थ से तो अर्थ पे आप रिटर्न नहीं आ पाओगे नॉर्मली, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, इसलिए जब भी किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो फिर वो नीचे की तरफ आ जाती है। बट अगर हम इस रफ्तार से फेंकते हैं किसी चीज़ को तो वो चीज़ दोबारा रिटर्न नहीं आएगी। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था सर आइजैक न्यूटन जी ने। नेक्स्ट, अभी देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसके पीछे कि अगर अर्थ का एस्केप वेलोसिटी, अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो अदर जो प्लैनेट्स हैं उनका क्या होगा, सन का जो एस्केप वेलोसिटी है वो है 618 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके बाद अगर हम प्लैनेट में बात करते हैं मून का, तो मून की एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, मून की एस्केप वेलोसिटी 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप लोग पीछे से रिवाइंड करके। नेक्स्ट है, अगर जुपिटर की बात करें हम तो जुपिटर की कितनी होगी एस्केप वेलोसिटी, जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी के अगर बारे में बात करें तो वो होगी 59.5 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बात करें हम साइरस की, तो साइरस का सबसे कम है 0.64 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस रफ्तार से किसी चीज़ को वहाँ से फेंकते हैं तो वो अपने सरफेस को छोड़ के फिर वहाँ पे रिटर्न नहीं आएगी, वो ब्रह्मांड में निकल जाएगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो पक्का वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। 1 kWh इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है 3.6 मेगा जूल के बराबर। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन आई सरफेस फ्रॉम फार
साइडनेस द इमेज विल फॉर्म, कैसा होता है, बिहाइंड द रेटिना फॉर्म होता है वो, लाइट रे कवरेज होते हैं वो. नेक्स्ट, विच टेक्निक डज द फोटोस्टेट मशीन वर्क, कौन सी टेक्निक पे ये काम करता है, ये एट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग पे काम करता है ये. इसका जो प्रिंसिपल होता है या मैकेनिज्म कह सकते हैं आप, इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग के ऊपर. व्हाट इज द फोकस ऑफ डिस्टेंस व्हेन द कैपेसिटी ऑफ लेंस हैज -2D, तो कितना होता है, -0.5 m. नेक्स्ट, व्हेन द मास ऑफ अ स्टार इज 2 times द मास ऑफ द सन, हाउ इट विल कम टू एन एंड, तो ये क्या होता है, ये होता है न्यूट्रॉन स्टार. नेक्स्ट, आपसे क्वेश्चन क्रॉस भी कर सकते हैं कि न्यूट्रल स्टार क्या होता है, तो आपको उस समय पता होना चाहिए द मास ऑफ द स्टार इज 2 times द मास ऑफ द सन, तो ये भी क्रॉस में ही पूछ सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट वाज हैपन टू द रिफ्लेक्शन व्हेन अ स्ट्रेट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एन कॉन्वेक्स मिरर, क्या होता है, वर्चुअल स्ट्रेट एंड लार्ज देन ऑब्जेक्ट, वो इमेज फॉर्म होती है फिर. What was happened to the reflection when a straight object placed in front of an convex mirror? तो क्या होता है ये क्वेश्चन आई होप मैंने रिपीट कर दिया, तो ये होता है वर्चुअल स्ट्रेट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट इमेज. नेक्स्ट, विच कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट, तो यह है चेंज ऑफ मोमेंटम. थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द इम्पल्स. द रिलेशनशिप बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम इज गिवन बाई इम्पल्स मोमेंट थ्योरम. द चेंज इन मोमेंटम इज गिवन एज डेल्टा पाई एंड डेल्टा एम वी. ओके, द मोमेंट चेंज कैन बी कॉज आइदर ड्यू टू द चेंज इन मास और द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट पे चलते हैं. वाई द नीडल ऑफ एन आयरन स्विम्स ऑन वाटर सर्फेस वैन इट इज कीप जेंटली, क्यों, ड्यू टू सर्फेस टेंशन. आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं ऐसे शेप के, और वो ना फटाफट पानी के ऊपर भागते हैं, फटाफट भागते हैं पानी के ऊपर, थोड़ा सा ऐसे टाइप में होते हैं, कुछ ऐसी शेप होता है, एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊंगा मैं, बट ऐसे शेप में होते हैं, और उनके ये 4 पैर होते हैं मैक्सिमम के, और वो फटाफट फटाफट पानी में दौड़ते हैं. क्यों दौड़ते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द लाइटिंग ग्लो इज सीन बिफोर द थंडर इज हियर, क्यों होता है, द स्प्रेड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड. समझे मतलब क्या था इसका, साउंड आपके पास पहुंचने में टाइम लेती है बट लाइट जल्दी पहुंचती है. सो अभी मैं बता रहा हूं आपको, द साउंड विच इज हर्ड ड्यूरिंग द लाइटनिंग इज कॉल्ड थंडर, उसको क्या कहते हैं, थंडर. द स्पीड ऑफ लाइट इज कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 108 m/s एंड द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज अराउंड 330 m/s, हेंस द लाइट इज फास्टर देन साउंड. इसलिए क्या होता है, हमें लाइट पहले दिख जाती है और साउंड उसके बाद आता है हमारे पास. तो इनको नोट रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो आप पक्का से याद रखिए इनको. व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द हर्टिंग अ पर्सन ऑन किकिंग अ स्टोन, सो रीजन है इनर्शिया, इनर्शिया के वजह से. नेक्स्ट है, इफ द डायमीटर ऑफ अ बॉटल इज रेज देन द रेज ऑफ वाटर इन इट विल बी, क्या होगा, हाफ हो जाएगा फिर उस टाइम पे. नेक्स्ट, वॉट शुड अ पर्सन डू टू वैन ही ट्राई टू किल द फिश ऑन द बैंक ऑफ द बॉन्ड विद अ स्पीयर, मस्ट फोकस बिलो द फेस. नेक्स्ट, वॉट इज द इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वैन इट इज मूविंग इन कॉन्स्टेंट स्पीड इज नॉट एक्सेलरेटेड. नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इट्स एक्सलेशन विल बी कॉन्स्टेंट, उस समय क्या होगा, उसका एक्सलेशन कॉन्स्टेंट होगा. नेक्स्ट है, वेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन द लाइट विल बी स्कैटर्ड. नेक्स्ट, चलिए लाइट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं. लाइट इज मेड अप ऑफ एनर्जी, लाइट क्या होती है, एक एनर्जी से बनी हुई चीज़ होती है. लाइट ट्रेवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. द स्पीड ऑफ लाइट इज एग्जैक्टली 299792 km/s. उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट इसके बारे में जो है, दिस इज अ स्पीड व्हेन लाइट इज ट्रेवल्ड इन अ वैक्यूम एंड नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द एटमोसफेयर. और लास्ट जो फैक्ट बताने वाला हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो भी, ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ लाइट यू कुड गो अराउंड अर्थ 7.5 times in a second. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं.
प्रेशर कुकर कुक्स फास्टर बिकॉज, क्यों कुक करता है फास्टर? हाई टेम्परेचर इज अटेंडेड फॉर कुकिंग. टेम्परेचर क्या होता है? प्रेशर कुकर क्या होता है? पूरा पैक होता है ना, प्रेशर कुकर में जब हम करते हैं तो पूरा पैक होता है. वहाँ पे एक नोजल बना होता है, जैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि फटे नहीं, वो यहाँ से रिलीज़ कर देता है उसके अंदर के जो गैस है या फिर जो हीट है उसको. एंड फिर अगेन इसको हाई प्रेशर मिलने लगता है. हाई प्रेशर जैसे ही मिलता है फिर काम बन जाता है, फिर ये उसी तरीके से वर्क करता है, इसलिए खाना जल्दी प्रेशर कुकर पर बन जाता है. नेक्स्ट पे चलते हैं. माइक्रोफोन इज़ अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म द साउंड सिग्नल इंटू करंट सिग्नल. किस में बदलता है? साउंड सिग्नल को करंट सिग्नल में बदलता है. एक्सरे रीजन लाइज बिटवीन गामा रेज एंड अल्ट्रा वायलेट रेज. अगर हम बात करें एक्सरे और गामा रेज किसने इन्वेंट किया था, तो ये इन्वेंट हुई थी 8 नवंबर को 1895 में, और जो इन्होंने इसको इन्वेंट किया था वो थे रॉटिगन. नेक्स्ट पे चलते हैं. व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. चलिए इसमें मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा. ये एक नॉर्मल है, ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्मल, एन से डिनोट कर देते हैं हम इसे. एंड जब लाइट ट्रैवल कर रहा है, ये रेयर मीडियम आपके यहाँ पे क्या दिया, डेंसर दिया हुआ है, ओके, तो हम इसको डी कर देते हैं. यहाँ पे ये डी कर देते हैं, क्लियरली डी कर देते हैं. ये जो लाइट आ रही है डी से आ रही है, और ये कहाँ जाएगी? डी से आके ये आपके आर में जाने वाली है, ओके. तो इसमें हमने बताया है बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो यहाँ से लाइट आपकी एंटर करी डेंसर से, तो ये आपकी नॉर्मल है. तो ये सीधा नहीं, तो ऐसा कुछ आना चाहिए था, ये सीधा आना चाहिए था, तो ये उस तरीके से सीधा नहीं आएगी. मैं थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूँ आपको. ये है हमारा पूरा सरफेस, और ये नॉर्मल से आ रही है, ठीक है, ये नॉर्मल है हमारा. अगर मैं लाइट को यहाँ पे डालता हूँ तो ये यहाँ से निकल जानी चाहिए, ओके. बट ये यहाँ नहीं आके, इस केस में क्या होगा, जब लाइट को हम डाल रहे हैं यहाँ से, ये थोड़ा सा वर्क नहीं किया, मैं फिर से कर रहा हूँ. मैं लाइट को यहाँ से सीधा डालूँ तो ये सीधा नहीं आके, यहाँ से ये मुड़ जा रही है, ये यहाँ से इस तरफ भागेगी नॉर्मल से दूर. ये एंटर करते ही नॉर्मल से दूर भागेगी. तो कम्प्लीटली ये होना चाहिए था, ठीक है. तो ये एग्ज़ाम्पल है इसका. अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर वो रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो क्या चीज़ें होने वाली हैं. सो, अगर मैं रेयर की बात करूं कि वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आने वाली है, तो मैं पहले नॉर्मल की लाइन दे देता हूं. यहां पे मैंने रेयर में दिया है, ओके, ये रेयर की लाइन हो गई. और अगर हम नेचुरली देखें तो हमें ऐसा स्ट्रेट जाना चाहिए था, राइट. ये मैं स्ट्रेट कर देता हूँ इसको, ये ऐसा जाना चाहिए था. बट जब ये रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो ये नॉर्मल के तरफ आएगी. ये लाइट यहाँ से सीधा आई, आने के बाद ये नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगी. तो ये है डिफरेंस, तो इनको याद रखिएगा. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. द यूनिट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इज क्या होता है? डेसिबल होता है. और सिर्फ ये नॉइज पॉल्यूशन के लिए नहीं भी है, साउंड को जिसमें नापा जाता है या जिसमें मेजर किया जाता है उसको भी डेसिबल कहते हैं, जो कि है डीबी. नेक्स्ट पे चलते हैं. मटेरियल्स फॉर ब्रेन प्रूफ कोट आर एंड टेंट्स ओन देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज टू सरफेस टेंशन. नेक्स्ट चलते हैं. व्हाट डज अ क्रिकेट प्लेयर अ फास्ट अप्रोचिंग बॉल बाय पुलिंग हिज हैंड बैकवर्ड. ही एमी नीड्स टू exert less force. Next, when two ice cube are pressed together, they join to form one cube. Which one activity can helps to hold them together? तो कौन सी एक्टिविटी होती है जब एक आइस क्यूब को, दो आइस क्यूब को साथ में रखा जाता है और उनको प्रेस किया जाता है और वो जुड़ जाते हैं आपस में. तो कौन सा इस जो एक्टिविटी को कहते हैं, इसका नाम क्या है टेक्निकली? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन. नेक्स्ट है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लाइट. लाइट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट मूव्स फास्टर दैन स्पीड ऑफ साउंड. ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था इसके रिगार्डिंग, कि अभी खुद से बताना आपको कि लाइट का स्पीड क्या है एंड साउंड का स्पीड क्या है. तो ये खुद से जवाब दे के देखना कि आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा था. आप लोगों को खुद से पता चल जाएगा कितना पढ़ना है, कितनी मेहनत और करनी है, कितनी चीज़ें सुनने पर याद होती हैं. इसलिए मैं कहता हूँ कि उनको नोट कर लिया करो, लिख लिया करो उनको. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं.
दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लाइट. लाइट के लिए क्या इनकरेक्ट है? इट कैनॉट पास थ्रू वैक्यूम. इनकरेक्ट है ये, वैक्यूम से पास कर सकती है. द मोशन ऑफ द व्हील ऑफ अ बुल कार्ट वाइल मूविंग ऑन रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मोशन? तो ये है ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन का ये एग्जाम्पल है. सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन. आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे. अगर आपको पसंद आते हैं वीडियोज और ऐसे ही वीडियोज आप लगातार देखना चाहते हो तो आप मेरे को सब्सक्राइब करो, वीडियोज को लाइक करो, शेयर करो और टच में रहो. सो वंस अगेन इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.